जी सर। अरे बहुत बढ़िया लग रहा है, और गोल्ड कॉमेडी अवार्ड मिला है और डिजिटल एंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने कभी ऐसे बहुत कोशिश नहीं की लोगों को हंसाने की, मैं तो अपना म्यूज़िक करता रहता हूँ, साउंड के साथ खेलता रहता हूँ, लेकिन वो लोगों को एंटरटेनिंग लगा और उसमें थोड़ा हंसी आई लोगों को, तो अच्छा लगता है। ये पता नहीं यार, मैं वही देख रहा था अंदर बात की बहुत हैवी है। हाँ जी जी एक्चुअली मैं जैसे बोला कि मैं हंसाने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं अपना अपना करता रहता हूँ, उसमें लोगों को हंसी आ जाती है, और मुझे लगता है कि हंसाना, रुलाना, काम करना, सवाल पूछना, ये कैमरा ऑपरेट करना, ये माइक लगाना, हर काम मुश्किल होता है, हर काम का अपना अपना तरीका होता है, तो हर काम आसानी से ख़राब भी किया जाता है, आसानी से अच्छा भी किया जा सकता है, तो हर काम मुश्किल है, वैसे ही कॉमेडी भी मुश्किल है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं जो बहुत आसानी से करते हैं वो, तो उनको देख के सीखने को मिलता है बहुत ज़्यादा। ट्रैक्स बना रहा हूँ, और ऐसे ट्रैक्स बना रहा हूँ जिसपे लोग थोड़ा, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे ट्रैक्स पे लोग नाचते हैं, शादी वादी में यूज़ करते हैं, तो मैं वैसे टाइप के थोड़े बना रहा हूँ कि क्रिसमस पे और न्यू ईयर पे लोग थोड़ा नाच सकें। थैंक यू। एक्चुअली मुझे अवार्ड्स नहीं मिले हैं तो ये आप बोल सकते हैं टेक्निकली मेरा फर्स्ट अवार्ड है, तो कुछ अलग लेवल की खुशी है। मैं इतना बकबक करती हूँ, पर स्टेज पे मेरी बोलती बंद हो गई और मैं लिटरली स्टैमर करने लग गई, बिकॉज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, एंड बस घर जाके डैड को दिखाना है, उनको कोई आइडिया नहीं कि मैं यहाँ पर आई हूँ, बस घर जाके दिखाऊँगी तो और अच्छा लगेगा। थैंक यू कि कॉमेडी को अप्रिशिएट किया जा रहा है, और दो साल में बहुत सारे कॉमेडियंस ने बहुत मेहनत की है लोगों को हंसाने के लिए, खुश करने के लिए, खुशी बांटने के लिए, तो उस चीज़ को सराहा गया है यहाँ पर, आपने अप्रिशिएट किया, ऑनर किया, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जी 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 हाँ, आप सब जानते हैं कि मैं मिमिक्री करती हूँ, और वो एक चीज़ है जो मेरी क्लिक हो गई है। स्टार्टिंग से मैंने आशा जी की मिमिक्री की है, आजकल फराह जी की मिमिक्री करती हूँ, श्रीदेवी जी की, और बहुत सारी आवाज़ें मैंने निकाली, सोनम कपूर, कंगना रनौत, और बहुत सारे एक्ट्रेसेस की मिमिक्री मैं करती हूँ, और ये एक चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देती है और बहुत नेचुरली मैं कर पा रही हूँ। मिमिक्री एक ऐसी चीज़ है जो लोग ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन मिमिक्री बहुत ही डिफ़िकल्ट आर्ट है, तो मुझे खुशी हो रही है कि इस मिमिक्री की एक कैटेगरी इन्होंने रखी और मुझे इस चीज़ के लिए इन्होंने ऑनर किया, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आज मेरी आवाज़ बहुत मुश्किल से निकल रही है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये मुझे मिला है, बट डेफिनेटली एक शख्स हैं जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, जिनकी मिमिक्री करते करते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, वो है आशा भोसले जी, और मुझे शायद पता है कि उन्होंने मेरे वीडियोस देखे हैं, उन्होंने पसंद किया है, लता जी ने भी देखे हैं मेरे वीडियोस, तो वो उन्होंने पसंद किया है, तो ये सारे आर्टिस्ट को मैं एक्चुअली थैंक यू करना चाहूँगी कि दे आर अ सपोर्ट, कि उन्होंने मेरे वीडियोस को देखा और किसे कोई बुरा नहीं माना, सब खुश हुए और उनको उन्होंने पसंद किया। सो आने वाले दिनों में, अभी आप मुझे कपिल शर्मा शो पर देख रहे हैं, बिकॉज टीवी पर अगर आप जानते हैं, आप जानते ही हैं कि सबसे बड़ा कॉमेडी शो है द कपिल शर्मा शो, तो उस शो पर आप मुझे देख रहे हैं, मैंने एक आध एपिसोड अभी शूट किए हैं, तो आप मुझे अलग अलग अंदाज़ में देखेंगे, अलग अलग कैरेक्टर्स में देखेंगे। अभी आशा जी वाला एपिसोड इस हफ्ते आने वाला है, बिकॉज वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और आगे भी बहुत सारे अलग कैरेक्टर्स में आप मुझे देखेंगे। थैंक यू।
कंग्रेचुलेशन, ये खबर सुनकर फैन सभी लोग बहुत खुश है, क्या कहना चाहोगे एक्चुअली? गोल्ड, हाँ जी, फैन से यही कहना चाहूँगी कि इसमें मीडिया का कोई हाथ नहीं है, हमारा ही हाथ है, हमने किया है अपनी मेहनत से, और बड़ा अच्छा लग रहा है माँ बन के, आप सब मामा बन गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बता दूंगी किस हॉस्पिटल में बच्चा हो रहा है, 50,000 आप जो भी चैनल है सबकी तरफ से वहाँ पे डिलीवरी का खर्चा आना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हमने अपनी मर्जी से बताना था, लेकिन आप खुद ही छाप छाप के हमारा थोड़ा सस्पेंस वो कर दिया है ना। तो मैं बता दूंगी अपनी फ्रेंड को कौन से हॉस्पिटल में 50,000 पर प्रेस वाले जो भी है इनसे ले। बिल्कुल। गोल्ड, बहुत सारे एडवाइजेज आ रहे हैं, कॉमेडी ये करो ये ना करो, तो इस चीज आप भी कुछ चीजें पूछ रहे हैं। लेकिन मैं अपनी मर्जी का कर रही हूँ, मैं एक शो कर रही हूँ हुनरबाज जो अप्रैल तक चलेगा, मैं मर्जी से कर रही हूँ, ये सब ना होता है कि अरे ऐसे मत करो, ऐसे मत बैठिए, ये सब यहाँ है, यहाँ है सब, आप यहाँ करो। ओह माय गॉड, दुख रहा है, अगर यहाँ नहीं दुख रहा तो कहीं नहीं दुख रहा, मैं बहुत फिट हूँ। बिल्कुल। अच्छा, लड़की कोई प्रेफरेंस कुछ है क्या? लड़की क्यों, क्यों? जैसी मैं, आप जैसा नहीं जो एक लड़की को रोक के इंटरव्यू ले रहा है, मेरे जैसी लड़की। थैंक यू सो मच। हाँ नहीं, मैं बहुत आभारी हूँ गोल्ड अवार्ड्स का और विकास का कि मेट्रो पार्क जैसे शो को उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। मेट्रो पार्क एक इंडिपेंडेंट शो था पहले, जिसको ऑफकोर्स इरोस ने अक्वायर किया, और मुझे यही लगता है कि हमेशा कोई ना कोई ऑब्स्टिकल उसके रास्ते में आता है। यू नो, सीज़न वन बनाया हमने इंडिपेंडेंटली, फिर पैंडेमिक आ गया, फिर हमको मिनी एपिसोड्स बनाने पड़े 1.5, बड़ी मुश्किल से हमने सीज़न टू बनाया, सीज़न टू को भी अब गोल्ड ने सेकेंड टाइम अवार्ड दिया है। बट जो मेट्रो पार्क की जो स्ट्रगल है वो अभी भी जारी है सीज़न थ्री पे, लेट्स होप कि सीज़न थ्री बने। बट मैं बहुत आभारी हूँ गोल्ड अवार्ड्स का, और ऑन बिहाफ ऑफ अभी वर्गीस, अजय एन, वेणुगोपालन, जीजू जॉन जो कि शो के निर्देशक और निर्माता हैं, मैं उनकी तरफ से ये अवार्ड दे जा रहा हूँ, और उनके लिए है ये अवार्ड, सबकी मेहनत का ये फल है। एंड थैंक यू गोल्ड अवार्ड्स फॉर दिस। देखिए, मैं ये बहुत बार कह चुका हूँ, OTT पे मुझे वैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, मिल रही हैं, जिस तरह की मैं मेन स्ट्रीम बॉलीवुड से चाहता था। बट यू नो, सो आई एम वेरी इन अ हैप्पी प्लेस, एंड आई एम क्वाइट ग्लैड विद ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ जो मुझे OTT दे रहा है। आई थिंक इट्स एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म, वेरी डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म, जहाँ पे ये नहीं है कि बड़े प्लेयर्स छोटे प्लेयर्स को निकाल दे रहे हैं, सबको अपनी अपनी जगह है, ऑडियंस डिसाइड करती है क्या क्या देखना है क्या नहीं देखना है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर OTT, एंड अगेन आई एम ग्रेटफुल फॉर गेटिंग दिस। बिल्कुल, कॉमेडी तो देखिए मेरे जो रूट्स हैं वो तो कॉमेडी में ही है। अब मुझे काफ़ी अच्छे ड्रामेटिक रोल्स भी मिल रहे हैं, वो अच्छी बात है, बिकॉज कोई भी एक्टर चाहेगा कि उनको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, अलग तरह के जॉनर्स, अलग अलग तरह की स्टोरीज, अलग रोल्स, डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिले। बट कॉमेडी रिमेन्स मेरा जो आप कह सकते हैं स्टेपल। सो हालांकि पिछले 3 क्वेश्चंस में तो मैंने आपको बहुत बोर किया है ना, बिल्कुल एक जोक नहीं मारा मैंने, सॉरी। वेल आई मीन देयर आर मेनी कॉमेडियंस इन नॉट ज़्यादा तो यू नो इवन इन इंडियन सिनेमा इफ यू सी महमूद साहब, यू नो किशोर कुमार जी, सो आई मीन देयर आर मेनी हीरोज फॉर कॉमेडी इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो, बट बाहर के भी बहुत हैं, यू नो देयर आर मेनी पीपल जिनका काम मैं देख कर पला बड़ा हूँ, हु हैव इंस्पायर्ड। है सर, है, वो दबता नहीं है, वो ऐसा है कि वो दबता नहीं है, वो ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारी फिल्म लगी है 420 IPC Z5 पर, तो उसके जो डायरेक्टर हैं वो उनको मुझे और विनी को कहना पड़ गया था कि प्लीज़ सेट पे तुम लोग मजाक ना करो, मेरी सीरियस फिल्म है। सो वो दबता नहीं है, निकल कर आ।
क्रिसमस मैं और मेरा बेटा हम लोग गोवा में होंगे, हर साल जाते हैं हम लोग दिवाली या क्रिसमस पे। और न्यू ईयर के लिए मेरा 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 भाई और उनकी फैमिली यूएस से आए हुए हैं, तो उनके साथ बिताएंगे। सो मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। मैं ये करके नहीं आया था, आप जा रहे हो ऊपर 80? क्यों? नहीं नहीं, मेरे को बर्थडे पे जाना है, कीर्ति का बर्थडे, कीर्ति। हाँ जी, थैंक यू। मैं बीच में निकालता ना, आगे रख दूं? मिमिक, मुझे फीमेल क्यों नहीं मिला, मुझे दोनों चाहिए थे, फीमेल भी मिलना चाहिए ना, छुटकी, निर्भर रॉय। मिमिक में मतलब काफ़ी सारे कैरेक्टर हैं, धर्मपाल जी भी है जो मैं करता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और लता जी भी हैं जो मैं बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ। भाई बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, ये गोल्ड अवार्ड के लिए मैं विकास को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तो वैसे फीलिंग, यार फीलिंग भी बड़ी सही होती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, क्योंकि डिजिटल का है और ऊपर से मेरी कोई टीम नहीं है, आई वर्क अलोन, तो इसलिए ऑल द मोर टू सेलिब्रेट। ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हो वो शायद कुछ सही कर रहे हो, सो एक तरह से एक्नॉलेजमेंट है एंड मज़ा आता है। कहते तो हैं लोग, सी लोग बोलते हैं कॉमेडी इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉनर, पर मुझे लगता है कि एज एन एक्टर एनीथिंग, इफ़ यू आर अ सेंसिबल, मतलब आप चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को, इमोशंस को, तो यू शुड बी एबल टू डू ऑल ऑफ देम, बट कॉमेडी इज फन, मुझे पसंद है इसलिए मैं करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं नॉमिनेटेड भी हूँ फॉर द डिजिटल एंटरटेनर ऑफ द ईयर, सो होपफुली आई विल, आई एम एक्साइटेड टू गेट इट, बट आई एम वेरी एक्साइटेड। आई थिंक दिस इज माई फर्स्ट अवार्ड आफ्टर द होल पैंडेमिक, सो ये सब देख के, इतने सारे लोगों को देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। उम्मीद ही तो कुछ नहीं, आई थिंक लोगों को मिलना, आई थिंक इतने लोगों को मिल रही हूँ काफ़ी टाइम बाद, तो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। पहला सोशल, मेरा सोशलाइजिंग आज इवेंट है, तो वो उसके लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड फॉर द विन, आई होप आई विन, बट लेट्स सी। थैंक यू सो मच। आपको पता ही नहीं कौन सा अवार्ड मिला, इनको पता ही नहीं मुझे कौन सा अवार्ड मिला। काफ़ी भारी है, गौरव गहरा जी ने कहा था अंदर कि इसको पिघला के झुमके बना सकते हैं, मैं पूछ कर आती हूँ। लेकिन काफ़ी भारी अवार्ड है, इसे दिग्गज एक्टर होने का अब एहसास हो रहा है मुझे, लेकिन पहला कॉमेडी अवार्ड है।
बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मुझे कभी इससे पहले इस जॉनर में ना कभी काम मिला था ना मुझे अवार्ड मिला था, और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि अब मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगेगा कि हाँ हमारी लड़की अब कॉमेडी भी कर रही है। एक्चुअली मेरे पापा हमेशा बोलते हैं, वो मुझसे हमेशा कहते हैं कि तुम हमेशा इतने सीरियस शोज़ क्यों करती हो, तुम इतना सीरियस ड्रामा क्यों करती हो। मैंने कहा क्योंकि मुझे वही ऑफ़र होता है, बट आई एम सो ग्लैड कि मुझे ये शो ऑफ़र हुआ, मैंने ये शो सही टाइम पर उठाया, ये शो सही टाइम पर रिलीज़ हुआ और अब इसकी बदौलत मुझे एक अवार्ड मिला है जो जिसको लेकर ऑब्वियसली मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अगर कॉल माय एजेंट का सीजन 2 बना तो डेफिनेटली उसमें कॉमेडी है, सो मे बी दैट। एंड कुछ पक रहा है तो जब वो खिचड़ी पक जाएगी तो आप लोगों को अपने आप पता चल जाएगा। अगेन अनदर जॉनर लाइक कॉमेडी, सो आई एम वेरी हैप्पी टू डू दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मतलब इसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। और ये गोल्ड कॉमेडी अवार्ड्स का पहला साल है और कॉमेडी जॉनर को सराहा जा रहा है, तो इस अवार्ड को अपने हाथ में मतलब ऐसे लेते हुए बहुत खुशी हो रही है। मुझे बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल कॉमेडी के लिए ये अवार्ड आज मिला है, और आपके ज़रिए हमारे सारे दर्शकों को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हमारे दर्शकों का प्यार नहीं होता तो मैं शायद यहाँ नहीं खड़ा होता। बहुत ज़्यादा मतलब रियल गोल्ड से भी शायद ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड फील कर रहा हूँ। और आई रियली वांट टू थैंक विकास कलंदरी जी, गोल्ड अवार्ड्स, एंड हमारे प्रोड्यूसर्स यासिफ मोदी, नीला फिल्म प्रोडक्शंस, एंड द एंटायर टीम, द कास्ट एंड क्रू ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एंड अबव ऑल गॉड एंड माई फैमिली, यानी कि श्याम पाठक की फैमिली, माई वाइफ, माई किड्स एंड एवरीबडी, जो मतलब हमेशा मेरे साथ एक पिलर की तरह खड़े रहे और जिनकी प्यार और यू नो शिद्दत की वजह से ही शायद मैं यहाँ खड़ा हूँ। मेरे लिए तो 24 कैरेट से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है का ये अवार्ड है, और बहुत अपने दिल के करीब है, ऐसे मैं लेके जा रहा हूँ अपने साथ, अपने घर में संजो के रखूँगा, अपने दिल में संजो के रखूँगा। थैंक यू। थैंक यू। हाँ ओके। एक्चुअली जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले भी कहा था, ये सेकंड अवार्ड फंक्शन है जो इस मंथ पे मैंने अटेंड किया, और मैं इतनी खुश हूँ ना, बिकॉज दो सालों से हमने लोगों के चेहरे, उनकी आवाज़ें नहीं सुनी है, सो दिस होल फीलिंग ऑफ बीइंग अमंगस्ट पीपल फील सो गुड। आई एम रियली रियली एक्साइटेड। सो क्रिसमस सीजन है एंड आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं दिसंबर में एक ना एक बार एक रेड और एक ग्रीन आउटफिट जरूर पहन लूँ, बिकॉज यू नो दैट्स माई वे ऑफ सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल। इट मेक्स मी फील रियली नाइस एंड फेस्टिव। सो ऑफकोर्स मेरी फ्रेंड है नीतू जिसका ये ड्रेस है, एंड शी स्टाइल्ड मी फॉर दिस नाइट, सो हियर आई एम। ओके, कॉमेडी करना आई बिलीव सबसे टफ जॉनर है। लोग बोलते हैं कि यू नो एक्शन करना, जैसे कि मैं कर रही थी अभी अपने शो में, या यू नो इमोशनल होना, ये टफ होता है, बट दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज एक्शन सीखा जा सकता है, इमोशन आप यू नो डेवलप कर सकते हो, बट कॉमेडी इज़ अबाउट टाइमिंग, आपके पास वो टैलेंट या तो है या नहीं है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि विकास ने यू नो ये शुरू किया है जहाँ पर कॉमेडियंस को एक्नॉलेज किया जा रहा है, इट वॉज मच नीडेड, एंड इट्स आई एम ग्लैड दैट ही इज़ डूइंग दिस। थैंक यू। थैंक यू। ये बहुत कैरेट का है और इस पर कोई रेट नहीं लग सकता है, ये अनमोल है मेरे ख्याल से। गोल्ड मिला है पर हमारी चांदी हो गई। बेस्ट एंकर मामा जी 2021। ये जो प्यार मिलता है ना, और कोई, अभी मैं गौरव सर थे मेरे पास, गौरव गेरा,
तो मैं उनको बोल रहा था कि मेरा एक मन था कि जैसे मैं कोई अपने फेवरेट एक्टर को देखता तो मैं स्माइल कर देता, पता नहीं क्यों, और ऐसा लगता था कि मैं जानता हूँ इनको, जबकि कहाँ मिले थे। तो मुझे देख के कोई स्माइल कर देता है या फिर शायरी कोई सुना देता है कि यार वो पापा वाली बहुत अच्छी थी या मजदूर वाली अच्छी थी, मेरे को वही कमाई सबसे बड़ी लगती है, वो बहुत बड़ी कमाई है। तो वो मिलता रहे वही चाहिए। हाँ, मुझे किसको देख के हंसी आती है इन दिनों, परसों मिरर देखा तो हंसी आई थी थोड़ी सी, हाँ फिर मैं कपड़ा पहन के आया। जय हिंद भाइयों। साथ में करते हैं, आ जाओ अरे खर्चा थोड़ा लाइट में हो ना सर, किसी को दे दो तनिक, इधर आओ तनिक, इधर आओ। फैंस यही कहना चाहूँगी कि इसमें मीडिया का कोई हाथ नहीं है, हमारा ही हाथ है, हमने किया है अपनी मेहनत से, और बड़ा अच्छा लग रहा है माँ बन के, आप सब मामा बन गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बता दूंगी किस हॉस्पिटल में बच्चा हो रहा है, 50,000 जो भी चैनल है सबकी तरफ से वहाँ पे डिलीवरी का खर्चा आना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी मर्जी से बताना था लेकिन आप खुद ही छाप छाप के हमारा थोड़ा सस्पेंस वो कर दिया है ना। तो मैं बता दूंगी अपनी फ्रेंड को कौन से हॉस्पिटल में, 50,000 पर प्रेस वाले जो भी है उनसे ले। लेकिन मैं अपनी मर्जी का कर रही हूँ, मैं एक शो कर रही हूँ नरबाज जो अप्रैल तक चलेगा, मैं मर्जी से कर रही हूँ। ये सब ना होता कि अरे ऐसे मत करो, ऐसे मत बैठियो, ये सब यहाँ है, यहाँ है सब, आप यहाँ करो। भाई कोट दुख रहा है, अगर यहाँ नहीं दुख रहा तो कहीं नहीं दुख रहा, मैं बहुत फिट हूँ। बिल्कुल। लड़की क्यों, मेरे जैसी नहीं, आप जैसा नहीं जो एक लड़की को रोके मारो ले रहा भारती जी पीछे। चप्पल पहनी हुई मैंने नीचे से। अरे कोई आमिर भाई थोड़ा क्या लग रहे हैं बाद में, अरे सर अंदर आ जाओ। अरे नए सारे लोग, अरे अरे आप तो घर में, अच्छा जल्दी कसम खा के आए थे क्या, अरे मुझे ही दीजिए, कोई गलती कर ली बच्चे होने वाला है। अरे नहीं नहीं बहुत खुशी हो रही है, इट्स वेरी गुड इन फैक्ट, लेकिन एवरी जैसा हम मामा बन रहे जैसा हमने कहा था, इंस्टेंट बॉलीवुड वाले बड़े मामा को बहुत सोहेल मामू, थैंक यू सो मच, बाय गाइस, मैं फोन करती हूं, बाय बाय।